चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 2. चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसका नाम है, देखिए निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करो। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो बहुपद दिए होंगे उनके शून्य ज्ञात करने हैं। पहला काम आपको शून्य ज्ञात करने का है, और दूसरा क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करो। ठीक है, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इसके शून्यक निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको इसको लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 और बराबर क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, आपको पता है यहाँ पे जो नंबर होता है उसको हमको दो हिस्सों में बांटना होता है। सबसे पहले इसका यहाँ पे जो नंबर होता है उसका गुणा करते हैं, लास्ट में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 का 8 में गुणा करेंगे तो गुणा क्या होगा, 8 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको इस 2 को दो नंबरों में बांटना है, एक संख्या को दो हिस्सों में बांटना है, और उसका जो नंबर होंगे, जो भी नंबर आप बांटोगे उनका जो गुणा होगा वो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम, देखो सबसे पहले आपको चिन्ह पता लगाना है, उन दोनों संख्याओं के चिन्ह ध्यान रखना, ट्रिक है, पहले आपको चिन्ह पता लगाना है, ठीक है, उसके बाद संख्या पता लगानी है। ठीक है, ये दूसरी, सबसे पहले क्या देखेंगे, चिन्ह। तो चिन्ह कैसे पता लगाते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8 आपका क्या किया आपने, गुणा किया है, तो आपको 8 का चिन्ह देखना है, 8 कैसा है बताइए, प्लस का है कि माइनस का है, पहले चिन्ह देखने हैं। देखिए 8 किसका है, माइनस का, और गुणा में जब चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस किस में आता है, ये देखिए चिन्हों का जब गुणा होता है तो माइनस कब आता है, तो आता है जब एक प्लस का होता है और एक माइनस का, तो ये आपको क्या मिलेगा, तो आपको माइनस मिलेगा गुणा के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से पता लगाते, तो ये अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो आप समझ जाइए एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर किसका होगा, माइनस का होगा। पहली बात समझ में आ गई आपको, अब ये हमने पता लगा दिया एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, लेकिन यहाँ पे ये भी तो पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा नंबर जो है बड़ी संख्या इसमें जो होगी वो कौन सी प्लस की होगी कौन सी माइनस की होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे जाएंगे, ये हमने यहाँ से चेक कर लिया ये वाले दो नंबर मिल गए, अब और पीछे जाएंगे एक स्टेप और, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिला हमको माइनस, यहाँ पे क्या मिला माइनस, इस पीछे माइनस है, इसका मतलब जो है कि बड़ी संख्या जो है वो किसकी है, माइनस की है, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस के। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा हमने, ध्यान रखो सबसे पहले हमने गुणा पे देखा, गुणा पे किस, यहाँ पे गुणा होता है, गुणा के यहाँ पे किसका चिन्ह है, माइनस का, और जब माइनस का होता है तो आपको पता है एक प्लस और एक माइनस होता है गुणा में, तो ही चिन्ह माइनस का आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चिन्ह माइनस का, यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस हो गया, अब पीछे का तो माइनस, यानी बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। अब आपको ये दो संख्याएं ढूंढनी है, दो संख्याएं ढूंढनी है, तो क्या तरीका है ढूंढने का, 8 के फैक्टर निकाल दो, 8 के फैक्टर कौन कौन है बताइए, तो 8 देखो 1 की टेबल में आता है, ठीक है, और किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की में तो नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, यानी फैक्टर निकालने हैं आपको, 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे, देखो 8 से 1 से शुरू कर दो, 1 का तो भाग सभी में जाता है, 2 का भाग 8 में चला जाएगा, ठीक है, 3 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 4 का चला जाएगा, चला जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, क्योंकि 6 की टेबल में 8 आता ही नहीं है, तो भाग कहाँ से जाएगा, ठीक है, 7 का नहीं जाएगा, तो 8 का फिर भाग चला जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने ये फैक्टर निकाल लिए, आपको क्या करना है, लास्ट के नंबर को जो पहला नंबर है उससे इस तरीके से कनेक्ट कर देना, और क्या लिख देना है, इसका इससे गुणा कर दो, यानी 8 × 8। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, और इसका गुणा कर दीजिए इससे, यानी कि 4 × 2, तो भी क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, गुणा करने का तरीका, ये संख्या ढूंढने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे उसके बाद तो आप जल्दी जल्दी बता दोगे, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो 4 × 8 ये हो गया, अब ये तो मिल गए हमको, देखो गुणा करने पे दो संख्या मिल गई, दो ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पे 8 आ जाए, तो देखो 8 × 1 = 8, 8 और एक संख्या है जिससे गुणा करने पर 8 आया, 4 × 8 इससे भी 8 आ रहा है, लेकिन सभी 1, 2, 3, 4 हमको तो दो नंबर चाहिए थे, कितने नंबर चाहिए, 2, और ये कितने आ गए, 4, तो इसमें से आपको दोनों आंसर राइट नहीं होंगे, कोई एक आंसर आपके काम का होगा, तो कैसे पता लगाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको देखिए आप,
यहाँ पे चिन्हों को आप फिर से ध्यान देना, चिन्ह क्या है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हम क्या करेंगे, जब प्लस का और माइनस का होगा तो देखेंगे प्लस और माइनस होते हैं तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो मैंने आपको बताया जब भी प्लस और माइनस चिन्ह अलग होते हैं तो आप हमेशा घटा घटा के देखेंगे, ठीक है, चिन्ह एक जैसे होंगे तो जोड़ जोड़ के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर किसका है, प्लस का है, और एक किसका है, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, घटा के देखेंगे, और घटाने पर कितना आना चाहिए, दो आ जाए, ठीक है, घटाने पर क्या आ जाए, दो आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आठ एकन आठ, यहाँ पे जोड़ घटा के देखो, जिसमें दो आ जाएगा वही आपका राइट आंसर है। तो आठ में से एक गया, क्या दो आ रहा है, नहीं आ रहा। आठ में से दो गया और चार में से दो गया, क्या दो आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। तो ये संख्या आपके काम की, यानी एक नंबर क्या है, चार मिल गया, और एक नंबर क्या मिल गया, दो मिल गया, एक चार और एक दो हो गया। और चिन्ह हमने पहले से पता लगा लिए थे कि बड़ी संख्या किसकी है, देखिए बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो चार आपका माइनस का हो गया और दो किसका हो गया, प्लस का। क्लियर, इस तरीके से नंबर को फाइंड करना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बहुत सिंपल, क्योंकि इसमें गलतियां होने के नो चांसेस हैं बिल्कुल, ठीक है। तो करते हैं हम इसको, अब क्या लिखेंगे, ये संख्या ढूंढ ली हमने, अब हमको यहाँ पे बस हो गया सवाल, अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर, क्या है, इसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। इस पूरे नंबर की जगह हम ये वाले नंबर लिखेंगे, कौन सा, माइनस का 4x और प्लस का 2x, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, चार में से दो गए तो माइनस का दो आ गया भाई, ठीक है, और माइनस का 8 बराबर क्या हो गया, 0। क्लियर हो गया यहाँ तक, अब हमने ये लिख दिया। आप क्या करेंगे, हम दो का ये और दो का ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है, और तो कोई नहीं आ रहा, x का x में भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया, माइनस 4x में x का भाग देंगे तो क्या आएगा, x से x कट जाएगा, कौन बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस, देखो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे अगर प्लस है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे प्लस है तो आपको यहाँ पे भी क्या लगाना है, प्लस लगाना है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना है, माइनस। ये छोटी छोटी बात है, बस आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक्स तो कॉमन नहीं होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमेशा एक्स कॉमन आएगा और यहाँ पे एक्स कॉमन कभी नहीं आएगा, यहाँ पे नंबर आएगा। तो दो और आठ किस टेबल में आते हैं, ऐसा नंबर बताओ जो जिसमें दो दो भी कट जाए आठ भी कट जाए, तो वो क्या है, दो, दो से भाग दे दे तो क्या होगा, दो से भाग दिया तो यहाँ पे कौन बचा, एक्स माइनस, और यहाँ पे कौन बचा, दो चौके आठ, चार बराबर क्या हो गया, जीरो। ध्यान रखना जो संख्या यहाँ पे आएगी वही यहाँ पे आएगी, अगर जो अगर अलग आए तो आपने कोई गलती करी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक पद बन गया, एक पद ये बन गया, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो x माइनस फोर यहाँ पे भी, x माइनस फोर यहाँ पे भी है, तो x माइनस फोर आ गया, ठीक है, बचा कौन, x और प्लस टू, x प्लस टू को अलग लिख दो, बराबर क्या हो गया, जीरो। अब क्या करना है आपको, एक बार इसके साथ जीरो, एक बार इसके साथ जीरो, तो x माइनस फोर बराबर क्या हो गया, जीरो, और x प्लस टू बराबर भी क्या हो गया, जीरो। सॉल्व करें इसको, x बराबर क्या हो गया, जीरो, और ये चार इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का चार, तो x बराबर क्या हो गया, फोर आ गया, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व कर दो, x बराबर जीरो और टू प्लस का टू, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू, x बराबर क्या हो गया, माइनस का टू। तो ये आ गया आपके शून्य, ये दोनों क्या आ गए आपके, x के मान आ गए, ये आपके शून्य का आ गया, यानी पहला ये अल्फा का मान आ गया, ठीक है, अल्फा बराबर, इसको नाम हम अल्फा दे देते हैं, ठीक है, और इसको नाम क्या दे देते हैं, बीटा। ये आपके क्या आ गए, दो शून्य का आ गए, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा, ठीक है। ये तो आपका पहला काम हो गया, अब आपको क्या करना है, दूसरा, दूसरा काम क्या करना है, पहला काम कर लिया, गुणांक और शून्य को मैं आपको संबंध निकालना है, गुणांक और शून्यकों में संबंधों की सत्यता की जांच। तो पहले आपको गुणांक और शून्यकों के संबंध तो पता होना चाहिए, तब सत्यता की जांच करोगे। तो ये है संबंध, ठीक है। पहला क्या है, शून्यकों का युगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए। इसकी जांच कर लें, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, लिख देंगे यहाँ पे, जांच लिखेंगे, सबसे पहले बहुपद को ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर क्या है आपका बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ठीक है। इसकी जब तुलना करेंगे हम किससे, व्यापक द्विघात, कौन है व्यापक द्विघात, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे करेंगे तो देखो ए का मान क्या है, ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये हो गया, ए का मान कौन हो गया, वन, ठीक है। बी का मान देखिए, बी कौन है यहाँ पे, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कौन है, माइनस का टू, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का टू, ठीक है। और सी का मान कितना है, माइनस का एट। इस तरीके से आपको गुणांक निकाल लिया, ठीक है, गुणांक निकाल लिया हमने,
ए का मान, बी का मान और सी का मान निकाल लिया, ठीक है। ये तीनों निकालने के बाद आपको क्या करना है इसमें, ये तीनों निकालने के बाद ए बी सी के मान निकालिए, अब आपको क्या है शून्यकों का योगफल निकालना है। सबसे पहले क्या लिखना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटे ए। इसको प्रूव करते हैं, यानी कि अल्फा, शून्यकों का योगफल मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान कितना है, देखिए चार है तो चार, बीटा का मान कितना है माइनस का दो, प्लस और ये माइनस का दो, यहाँ पे माइनस तो माइनस, बी का मान देखिए माइनस का दो तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का दो, ए का मान देखिए एक एक, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस और प्लस का माइनस पे, बी का मान था माइनस का दो और माइनस का दो का माइनस पे दो का गुणा हो जाएगा तो कौन बचेगा, यहाँ पे दो बचेगा, ठीक है। और चार में से दो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, दो बराबर दो, दोनों कैसे आ गए बराबर आ गए, तो यहाँ पे जो क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, तो हम बोलेंगे ये जाँच हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया एल एच एस बराबर क्या हो गया आर एच एस, ठीक है। जिस तरीके से हमने शून्यकों का योगफल निकाला इसी तरीके से हम शून्यकों का पूर्णफल भी निकाल लेंगे, तो लिखा लेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है सी बटे ए, ठीक है। यानी कि शून्य को गुणनफल, शून्य कौन है, एक अल्फा एक बीटा, यानी अल्फा बीटा कौन है, ये एक अल्फा है और एक कौन है बीटा, बराबर क्या हो गया सी बटे ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखो जहाँ पे जोड़ रहे थे वहाँ पे गुणा कर दो तो चार गुणा माइनस दो, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का आठ, बटे में क्या आएगा एक, चार दूनी आठ तो माइनस का आठ बराबर क्या आ गया माइनस का आठ, दोनों क्या हो गए एल एच एस बराबर क्या हो गया आर एच एस, ये हो गई यहाँ पे प्रूफ। तो ये हो गया गुणांक और शून्यकों में संबंध की सत्यता की जांच। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लियर हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले इसके शून्यक निकालते हैं, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं हम सॉल्यूशन में, क्या करते हैं सबसे 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर क्या रखते हैं जीरो रखते हैं, और जो लास्ट का नंबर, जो फर्स्ट नंबर होता है उसका लास्ट के साथ गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर कितना आएगा, गुणा करने पे कितना आएगा, देखो चार का एक में गुणा करेंगे तो क्या आएगा चार आएगा, यानी गुणा करने पर आपको चार को ऐसे तोड़ना है दो नंबरों में कि गुणा करने पे तो चार आ जाए, ठीक है। गुणा करने पे चार आ जाए और जोड़ने घटाने पर भी क्या आ जाए चार आ जाए। तो हम यहाँ पे चिन्ह देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कौन है प्लस, प्लस कब आता है बताइए, प्लस तब आता है जब या तो दोनों नंबर कैसे हों, या तो दोनों नंबर प्लस के हों या फिर दोनों नंबर माइनस के हों। लेकिन जब हम पीछे गए, पीछे गए तो क्या मिला माइनस, इसका मतलब दोनों नंबर किसके हैं माइनस के। ये तरीका है ढूंढने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले दोनों नंबर माइनस लिख दिए, यानी आपको दोनों नंबर माइनस के मिलने वाले हैं। अब नंबर ढूंढना है, नंबर कैसे ढूंढेंगे, चार के फैक्टर निकालेंगे। चार का फैक्टर क्या होगा, एक की टेबल में आता है, दो की टेबल में आता है, तीन की बनी आता है और चार की आता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, हम लास्ट का फर्स्ट के साथ पेयर बनाते हैं, ये लो चार एक चार, लेकिन दो का पेयर तो बना ही नहीं। अगर दो का पेयर, जिसका पेयर नहीं बनता आपको क्या करना है, उसका गुणा उसी के साथ कर देना, यानी दो गुणा दो, देखो चार और ये भी क्या आ गया चार, यानी गुणा करने पे चार आ गया, लेकिन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ पे दोनों नंबर किसके हैं माइनस के, तो हम क्या करेंगे दोनों नंबर एक जैसे हैं तो यहाँ पे हम जोड़ जोड़ के देखेंगे, अगर जोड़ जोड़ के जहाँ पे चार आ जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चार और एक पाँच आ गए, ये तो नहीं है, और दो और दो कितना हो गया चार, तो आपके दोनों नंबर क्या हो गए दो और दो हो गए, यानी कि ये दोनों माइनस के हैं, तो क्या हो गया माइनस का 2x माइनस का 2x, ठीक है। ये नंबर है आपके, तो लिख देंगे इसको 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर क्या हो गया जीरो। अब क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन निकालेंगे इसमें से और इसमें से, इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखो s तो कॉमन आना ही है, साथ में दो भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर कौन बचा दो दूनी चार, तो 2s बचा और माइनस का 2s का 2s हम भाग देंगे तो क्या आएगा मन आएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे दो और यहाँ पे एक है, या एस तो कॉमन आ ही नहीं सकता, जब भी कुछ भी कॉमन नहीं आए तो आपको हमेशा कॉमन क्या लेना है वन लेना है, ठीक है वन। तो अंदर कौन बचेगा यहाँ पे माइनस का माइनस हम भाग देंगे तो प्लस का 2s, और माइनस का प्लस हम भाग देंगे तो क्या होगा माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस का 1, ठीक है। जब भी माइनस होता है तो यहाँ पे संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, देखो यहाँ पे माइनस हुआ, प्लस होता है तो नहीं बदलते, तो माइनस हुआ तो प्लस का 2s हो गया, ये प्लस का था वो माइनस का हो गया, बराबर क्या हो गया जीरो। अब क्या करेंगे, ये 2s माइनस 1 2s माइनस 1 को एक बार लिख देंगे, ठीक है, और जो बाहर कौन बचा 2s माइनस 1 ही बचा है, तो 2s माइनस 1 को हम एक बार लिख देंगे, बराबर क्या हो गया जीरो। अब यहाँ से दोनों के साथ जीरो कर देते हैं, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरो, दूसरा
टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। मान निकाल लेते हैं दोनों के, यहाँ पे 2s और ये वन इधर जाएगा तो प्लस का, और s बराबर क्या हो गया 1, और ये 2 चला जाएगा बट्टे में, तो s बराबर हो गया आपका 1/2। ये तो एक मान आ गया 1/2, और ये भी वही है तो 2s बराबर क्या आएगा 1, ये भी s बराबर क्या आ गया 1/2, दोनों के मान आ गए, ठीक है। ये आपके शून्य निकल के आ गए, यानी अल्फा का मान भी निकल के आ गया 1/2, और बीटा का मान भी क्या आ गया 1/2, दोनों मान आ गए। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे गुणांक और शून्यकों में संबंध निकालना है, तो निकालते हैं, जांच लिखते हैं। जांच कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको बहुपद लिखना है, p ऑफ x बराबर क्या था आपका बहुपद, तो बहुपद था 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, a का मान क्या होगा इसमें, a का मान 4 होगा, b का मान माइनस 4 होगा, और c का मान क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये तीनों मान लिख दिए, अब संबंध को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखना है हमको, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया माइनस का बी बटे ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर, यहाँ पे क्या है माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू माइनस का 4, तो माइनस का 4 बटे में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा 1+1 बराबर, यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे क्या आ गया, और 4 देकर 4, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 और 1 कितना हो गया 2 2/2 बराबर क्या हो गया 1, ये भी क्या हो गया कट गया, तो कितना आ गया 1 बराबर क्या आ गया 1, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया RHS, होगी जांच, ठीक है। इसी तरीके शून्यकों का गुणनफल करते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल C/A होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो गया C/A, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2 बराबर, सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1/4 बराबर 1/4, ये भी हो गया RHS LHS। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, क्लियरली समझ में आ गया आपको, नोट कर लो इसे। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x, इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जी ये जो बहुपद है वो बिल्कुल सही क्रम में नहीं लगाया, अक्षर संख्या क्या होनी चाहिए बाद में आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इसको सही क्रम में लगा लेते हैं, सही क्रम क्या है इसका, पी ऑफ एक्स बराबर 6x², उसके बाद छोटा वाला संख्या कौन सी है इससे 7x, और बाद में आएगा -3, तो ये इसका सही क्रम है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का क्या तरीका है, हमको शून्य ज्ञात करने हैं, यानी कि p ऑफ x बराबर क्या लेके चलेंगे हम, 0 लेके चलेंगे, यानी कि 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर क्या हो गया 0। सबसे पहले ये वाली संख्या गुणा हम किस में करते हैं, इसमें करते हैं कि नहीं, तो 36 कितना हो गया यहाँ पे 18 हो गया, 36 18, यानी गुणा करने पे क्या आना चाहिए, गुणा करने पे आना चाहिए 18, पहली बात क्लियर हो गई। और जोड़ो या घटाओ तो क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब कैसे आएगा ये देखते हैं, तो सबसे पहले चिन्ह ढूंढ लेते हैं, वही काम हर बार जो हम कर रहे हैं, चिन्ह ढूंढेंगे। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस है इसका मतलब 1 प्लस हो गया, और 1 क्या हो गया माइनस, यानी कि आपको जो दो नंबर मिलेंगे उनमें एक संख्या प्लस की होगी, एक संख्या किसकी होगी माइनस की होगी। अब पीछे गए तो क्या मिला माइनस, यानी बड़ी संख्या किसकी होगी माइनस की होगी, यानी कि अब हमको सब कुछ पता चल गया, अब सिर्फ हमको वो नंबर चाहिए। तो नंबर कैसे निकालेंगे, 18 के फैक्टर निकाल लें, ठीक है। 18 के फैक्टर कौन कौन होंगे देखते हैं, यहाँ पे 18 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 18 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 18 के होंगे 1 से तो जाएगा ही भाग, ठीक है, 2 की टेबल में 18 आता है, 3 के में भी आता है, 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 की टेबल में 18 आता है, उसके बाद 6 के बाद 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है, ठीक है। उसके बाद 10 11 12 13 किसी में नहीं आता, डायरेक्ट किस में आएगा यहाँ पे
18 के टेबल में आएगा। ये काम हो गया, फैक्टर निकालिए। फैक्टर के बाद हम क्या करते हैं लास्ट का, ये सिंपल तरीका है नंबर ढूंढने का, ठीक है। 18 का लास्ट में गुणा करेंगे तो 18 एक 18 पहला पेयर बना दिया हमने, ठीक है। दूसरा 9 का 2 के साथ बनाएंगे, 9 दूनी 18, ठीक है। तीसरा 6 के साथ 3 बन गए कि नहीं, सभी बन गए, कोई बचा तो नहीं है, नहीं बचा तो कोई दिक्कत नहीं, जब बच जाता है तो उसी का उसी में करते हैं, ठीक है। 18 हो गए, लेकिन तीनों में से राइट आंसर कौन सा होगा, तो हमारे पास जो चिन्ह मिले हैं वो कौन से, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस मिलता है तो हम हमेशा घटा के देखते हैं, और घटाने पे कितना आना चाहिए, घटाने पे आना चाहिए 7, कितना आना चाहिए 7, वही हमारा राइट आंसर। तो 18 में से एक गया पहला, क्या 7 आ गया क्या, नहीं आया तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। 9 में से 2 गया, क्या 7 आ गया, 9 में से 2 जाएंगे 7, हाँ ठीक है। तो आपको नंबर मिल गए, एक 9 है और एक कौन है 2, ठीक है। और बड़ी संख्या किसकी है, देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो 9 आपका माइनस का हो गया और 2 किसका हो गया प्लस का। बस इस तरीके से नंबर को ढूंढना है। अब क्या करेंगे, नंबर यहाँ पे लिखते हैं 6x² माइनस का 9x और ये प्लस का 2x, यही दो नंबर तो मिले थे, और माइनस का 3 वैसे का वैसे ही बराबर 0, 7 की जगह हमने ये दोनों नंबर लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो दोनों में से कॉमन निकाल लूँ, x तो कॉमन आता ही है, और 9 और 6 की टेबल में किस में आते हैं, तो वो 3 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो हम 3 से भाग देते, 3 दूनी 6, और x² में x का भाग देंगे तो x आएगा, माइनस है तो माइनस 3 का इसमें देंगे 9 में तो 3 आएगा, और x का x में भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, 2x - 3 में से कुछ कॉमन आ रहा है, x तो आएगा नहीं, और 2 और 3 लगातार नंबर है तो 1 कॉमन आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 एक ही टेबल किसी के भी नहीं आता, सिर्फ एक के पारे में आता है, तो 1 कॉमन हो गया, तो अंदर कौन बचा, प्लस होता है तो कोई चिन्ह नहीं बदलता, तो 2x प्लस का है वैसा का वैसा ही, और माइनस 3 है तो वैसा का वैसा ही, बराबर क्या हो गया 0। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2x - 3 इसको एक बार लिख लेते हैं, 2x - 3, ठीक है। अब बचेगा कौन, बाहर वाले कौन है, एक 3x और प्लस 1, तो इसको अलग लिख लो, 3x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब क्या करेंगे, 2x - 3 बराबर 0 रख देंगे, और 3x + 1 बराबर भी क्या रख देंगे 0। 2x 3 इधर आ जाएगा, तो ये 3 किसका बन गया प्लस का, x बराबर 3, और ये 2 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3/2 3x, ये बन इधर जाएगा तो माइनस का, और x बराबर क्या हो गया माइनस का 1, और ये 3/3 गया तो 1/3, यानी कि 2 शून्य निकल के आ गए, जिसमें हम इसको पहले को अल्फा नाम देते हैं जिसका मान 3/2 आ गया, और दूसरे को नाम हम बीटा देते हैं जिसका मान कितना आ गया माइनस का 1/3, ठीक है। ये दोनों आ गए, अब हमको क्या निकालना है, गुणांकों और शून्यकों में संबंध की जांच करनी है, तो जांच करते हैं हम लोग, जांच करते हैं। सबसे पहले तो हम बहुपद को लिख लेते हैं, बहुपद हमारा क्या है, बहुपद हमारा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, यही है कि नहीं, इसमें से a का मान क्या होगा, ये a का मान हो गया, b का मान क्या हो गया माइनस का 7, और c का मान कितना हो गया माइनस का 3, ये तीनों हो गए। अब संबंध निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या है, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का योगफल निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योगफल क्या होता है, माइनस b बटे a, अब तो हमको रट गया होगा, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया माइनस बी बटे ए, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, तो हमने लिख दिया 3/2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 1/3, 1/3 लिख दिया, माइनस है तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 7, तो माइनस का 7, ए की वैल्यू कितनी है 6, तो हमने भी 6 लिख दिया, माइनस से माइनस क्या हो गया गुणा होगा तो कट जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, बराबर यहाँ पे कौन आ गया 7/6, 2 और 3 एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है, और 2 3 6, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, माइनस 3 दूनी 6 तो 2, ठीक है, बराबर क्या आ गया 7/6, 9 में से 2 गए तो कितने आएंगे 7, 7/6 बराबर 7/6 हो गया वेरीफाइड, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS, ये आपको वेरीफाइड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यों का गुणनफल भी वही है, शून्यों का गुणनफल कैसे C/A, ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर दें इसको, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3/2 गुणा माइनस 1/3 बराबर C की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 6, यही है ना, कट जाएगा ये, यहाँ पे 3 एक 3, 3 दूनी 6,
काट सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे भी देखो तीन से तीन कट गया, ये माइनस नहीं कटेगा सॉरी, ठीक है माइनस का तीन है तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस का एक बटे दो, इधर भी कौन आ गया माइनस का एक बटे दो, तो ये हो गया वेरीफाइड। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। क्लियर हो गया उत्तर की जांच, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 4u² + 8u, ये छोटे वाले क्वेश्चन है, इनको बहुत हम आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, ये द्विघात समीकरण है लेकिन इसमें एक जो हिस्सा है, जैसे हमारा द्विघात समीकरण हमेशा कैसे होता है ax² + bx + c के रूप में होता है कि नहीं, लेकिन इसमें देखो सिर्फ दो ही हिस्से दिए हुए हैं, तीसरा हिस्सा इसमें अचर पद वाला गायब ही है यानी दिया नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका तो आपका वही है, यहाँ पे 4u² + 8u बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको कोई संख्या नहीं ढूंढनी है, डायरेक्ट आपको कॉमन निकालना है। जब भी अचर पद गायब होगा तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, ठीक है इस बात को याद रखो। अचर पद इसमें थे यानी वो नंबर वाला गायब है तो कॉमन निकालेंगे, तो 4u² 8u में से 4 कॉमन आएगा और u में से u कॉमन आएगा तो कौन बचेगा, 4 का u बचेगा प्लस, और 4 × 2 = 8 बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। और 4u अब क्या करना है, एक बार इसके साथ 0 एक बार इसके साथ 0, तो 4u = 0 और दूसरा u + 2 = क्या हो गया, 0, ठीक है। u = 0/4 और यहाँ पे u = 0 - 2, ठीक है, क्योंकि ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 0 में भाग देंगे तो u = कितना आ गया, 0, और यहाँ पे u की वैल्यू आ गई -2। जब भी ये अचर पद गायब होगा तो आप समझना हमेशा एक मान हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी, 0 आ गई, और बीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -2, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल ये वाले क्वेश्चन। तो अब क्या करना है, आपको गुणांकों और शून्यकों में संबंध निकालना है। जाँच करते हैं, इसमें जाँच में क्या लिखेंगे, जाँच में आपको पहले बहुपद को लिखना है 4u² + 8u, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं, शून्य। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पी ऑफ यू के फॉर्म में है ये, एक यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 4, बी की वैल्यू कितनी होगी, 8, और सी तो आपका गायब ही है तो क्या हो गया, 0, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकाल लें, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, क्लियर, -b/a यानी कि α + β = -b/a, अल्फा की वैल्यू कितनी है इसमें, 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है, माइनस ये वाला, और b की वैल्यू कितनी है, 2 ठीक है, और बटे में a की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 0 + -2 तो क्या आ गया, -2, और यहाँ पे कौन आएगा, 4 × 8, और ये -2, तो दोनों क्या हो गए, वेरीफाइड हो गए, LHS RHS आ गई। अब आपको सिर्फ इसमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। ये तो हमने प्रूव भी कर दिया, शून्यों का गुणनफल और निकालना है, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, सुनो का गुणनफल क्या होगा, यहाँ पे c/a होगा यानी कि α β = c/a, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, और बीटा की वैल्यू -2 है कि नहीं, अल्फा और बीटा, ठीक है, तो 0 × -2 गुणा करेंगे, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, 0, बटे में a की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए, क्योंकि इसका साथ 0 गुणा हो गया, इसमें 0 का भाग हो गया, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। बात समझ में आ गया आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका t² - 15, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन t² - 15 की डायरेक्ट शून्यक निकाल दें, ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई कॉमन तो हो नहीं सकता, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, t² बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस का 15, और t बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट का 15, वो भी प्लस में और माइनस में, ठीक है, क्योंकि टी की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 आएंगी, तो टी की वैल्यू आ गई 2, एक आ गई माइनस का रूट 15 और एक आ गया प्लस का रूट 15, ठीक है। ये आपका अल्फा का मान हो गया माइनस का रूट 15, और ये बीटा का मान हो गया माइनस का रूट 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जाँच करेंगे,
जांच करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटे ए, ठीक है योगफल रख देते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान कितना होगा इसमें, देखिए अल्फा का मान माइनस का रूट पंद्रह, बीटा का मान प्लस का रूट पंद्रह बराबर माइनस बी की वैल्यू इसमें कितनी, देखो बी वाला हिस्सा इसमें गायब है कि नहीं, अचर पद दिया है लेकिन जो बीच का हिस्सा होता है वो गायब है, तो इसका मतलब वो जीरो है, बटे में क्या है ए की वैल्यू है वन, ठीक है तो ये दोनों क्या हो गया कट गए और यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर भी क्या आ गया जीरो में भाग देंगे तो जीरो, ये हो गया वेरीफाइड, ये तो योगफल हो गया। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे इसका गुणनफल भी निकाल लेंगे, तो शून्य का गुणनफल निकाल लें, युगफल निकाल लिया, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है सी बटे ए, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा सी बटे ए, अल्फा की वैल्यू क्या है यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी है बताइए रूट पंद्रह, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस रूट पंद्रह, तो माइनस रूट पंद्रह गुणा माइनस का रूट पंद्रह, ठीक है। अब यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, सी आपका अचर पद होता है तो ये पंद्रह है, वो भी किसका है माइनस का, तो माइनस का पंद्रह, ए की वैल्यू कितनी है एक, ठीक है। अब रूट पंद्रह का रूट पंद्रह में गुणा करते हैं तो क्या आता है हमेशा पंद्रह आता है, ठीक है पंद्रह, और ये माइनस का माइनस, तो माइनस पंद्रह और माइनस पंद्रह, ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया, इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, इस लास्ट क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका वी आई जो है वो है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का फोर बराबर जीरो, ठीक है। इसका शून्य ज्ञात कर लें डायरेक्ट, शून्य ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे क्या है माइनस दिया और ये भी क्या है माइनस है, तो यानी कि एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर किसका होगा माइनस का होगा, और पीछे गए तो माइनस, तो बड़ी संख्या किसकी है इसमें माइनस की है, क्लियर हो गया, बड़ी संख्या माइनस की आ गई। अब आपको क्या निकालना है इसमें से, इसमें आपको क्या निकालना है सिर्फ, इसमें आपको सिर्फ चार को फैक्टर निकालना है, सॉरी यहाँ पर हमको गुणा करना था, गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखिए, गुणा करो तीन चौक बारह, गुणा करने पे क्या आना चाहिए बारह आना चाहिए, ठीक है, और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए एक आना चाहिए, ठीक है ये ना, जोड़ या घटाने पे क्या आना चाहिए एक आना चाहिए। तो हम बारह के फैक्टर निकाल लें, तो बारह के फैक्टर निकालेंगे तो कौन कौन आएगा, एक आएगा, दो की टेबल में आता है, तीन की टेबल में आता है, चार की टेबल में आता है, पाँच के में नहीं आता, छः के में आता है, छः के बाद सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह, डायरेक्ट किस में आता है बारह में, फैक्टर निकाल लिया। अब हमको क्या करना है इसका, इसमें गुणा करना है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको नंबर कौन कौन से मिल गए, एक तो ये वाला मिल गया, कौन सा एक तो ये बारह गुणा एक, तो क्या लिखेंगे बारह गुणा एक लिख लेंगे, ठीक है ये आपका काम है पूरा आपका, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा नंबर है, छः और दो का गुणा होगा, हमेशा इसी तरीके से करना, छः और दो का, ठीक है तो भी बारह आ जाएगा। तीसरा है चार का और तीन का, तो चाहती है बारह, ठीक है ये हो गया। आपको पता है एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का है, तो हम घटा घटा के देखेंगे और देखेंगे कौन से में एक आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या लेके आना है एक लेके आना है ना, तो गुणा करने पर तो बारह आ गया लेकिन जोड़ घटाने पर या जोड़ने पर आओ एक प्लस और एक माइनस, तो घटाने पर क्या आना चाहिए एक आना चाहिए, तो घटा कर देखते हैं ये किस में आ रहा है, बारह में से एक गया इसमें तो नहीं आ सकता, छः में से गया इसमें तो नहीं, तो ये चार होती, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है आपका जो नंबर है वो चार और तीन है, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, यानी कि माइनस का चार है और प्लस का तीन है, क्लियर मिल गया नंबर। अब करते हैं इसको सॉल्व, तो क्या आएगा यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का फोर एक्स आएगा, प्लस का थ्री एक्स आएगा, और माइनस का फोर बराबर क्या हो जाएगा जीरो। अब कॉमन निकालते हैं दोनों में से, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है एक्स ही कॉमन आ रहा है अकेला, तो कौन बचेगा यहाँ पे थ्री एक्स माइनस का फोर प्लस है यहाँ पे, तो प्लस और वन कॉमन आएगा यहाँ पे, तो थ्री एक्स माइनस का फोर बराबर क्या हो गया जीरो, ठीक है। थ्री एक्स माइनस फोर को एक बार लिख लेते हैं, और बाहर कौन बचा एक एक्स और एक प्लस वन, तो एक्स प्लस वन बराबर क्या हो गया जीरो, ये हमारे किसी काम का नहीं है अब, ठीक है इसको हटा देना। अब क्या करेंगे यहाँ पे थ्री एक्स माइनस फोर बराबर जीरो,
और x प्लस वन बराबर क्या आएगा, जीरो। तो 3x इक्वल टू क्या आ गया, चार इधर आएगा तो प्लस का, x बराबर क्या आ गया, चार बटे तीन, ठीक है। x इधर जाएगा तो माइनस का वन, यानी कि दो आपके मान आ गए, एक ये आ गया, ये क्या आ गया, ये अल्फ़ा का मान हो गया चार बटे तीन, और ये बीटा का मान हो गया माइनस का वन, क्लियर। अब क्या करना है हमको, क्या करना है बताइए, अब हमको जांच करनी है सिर्फ, ठीक है। तो जांच कर लेते हैं, जांच क्या होती है, सबसे पहले हमको शून्यकों का योगफल निकालना होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, होता है माइनस बी बटे ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए, क्लियर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, चार बटे तीन, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का वन बराबर माइनस बी। यहाँ पे हमने ए बी सी के मान नहीं निकाले, तो यहाँ पे ए का मान होगा तीन और बी का मान होगा माइनस एक और सी का मान होगा माइनस चार, ठीक है। ये मान आप निकाल लेना तुलना करके, तो बी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, बी ये आ गया, अब बी की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस का वन, ए की वैल्यू कितनी है, तीन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चार बटे तीन माइनस का वन बराबर, यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, एक बटे तीन आ गया, ये एक बटे तीन आ गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो चार और तीन, तो चार बटे तीन, चार माइनस तीन बटे में तीन, ये भिन्न किया है, ठीक है, चार में से यहाँ पे बटे में तीन बराबर कितना है, एक बटे तीन, तो कितना आ गया, एक बटे तीन बराबर एक बटे तीन, हो गए दोनों बराबर। तो ये तो हो गया शून्यकों का योगफल, एल एच एस बराबर आर एच एस। अब हम क्या करेंगे, शून्य का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। शून्य का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, सी बटे ए होगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू चार बटे तीन है, तो चार बटे तीन गुणा माइनस का एक बराबर सी, और ए की वैल्यू कितनी है, तीन, तो हमने तीन लिख दिया, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है सीधा सीधा गुणा होगा, तो माइनस का चार बटे तीन, और इधर भी क्या है, माइनस का चार बटे तीन, हो गए दोनों बराबर, ठीक है। ये हो गया आपका वेरीफाई, क्लियर। तो ये आपके फर्स्ट के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे।